गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, जिसके लिए मैंने लिया 2 गिलास पानी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी डिटॉक्स ड्रिंक बनाना है। मैंने इसमें ऐड किया है 1 स्टिक सिनेमन यानी दालचीनी। अब हम इसे बॉईल होने देंगे तेज़ गैस पर। जब ये एक बार बॉईल हो जाएगा तो हम गैस को सिम कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और इसे इसी तरह से बॉईल होने देंगे। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पीछे जैसे अभी दिन भी नहीं निकला है पूरी तरह से, और मैं नहाकर भी आ गई क्योंकि मुझे अभी जिम भी जाना है और गाय की रोटी भी निकालनी थी नहाकर। तो डिटॉक्स ड्रिंक मैं बनाकर रख गई थी तो हल्का से लुक वार्म रह गया है। जब मैं नहाकर आई हूँ तो मैं इसे ले लूँगी, उसके बाद मैं अपने और काम ख़त्म करूँगी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं करके ही जाती हूँ जिम जाने से पहले। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के चीले, जिसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है जो मैंने रात में भिगो दी थी। साथ में मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिया है। फिर से मिक्सी में चलाकर हम इसका बैटर बना लेंगे। दाल को हमें थोड़ा थिक ही पीसना है, एकदम से बारीक नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरह का बैटर बनेगा फ्रेंड्स। साथ में धनिया की चटनी भी मैंने पीस दी है। अब मैं जल्दी जिम के लिए, सच में घर में बहुत जल्दी होती है सारे काम ख़त्म करके जिम जाने की, तो वीडियो ही नहीं बना पाई। सोचा गली में खड़े होकर कुछ इस तरह से वीडियो बना लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ जिम से और मुझे इस टाइम किचन में घुसने की बहुत जल्दी होती है क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना होता है मुझे। आज ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल के चीले बना रही हूँ, और चीले का बैटर मैं तैयार करके ही गई थी जो जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था वीडियो में, और धनिया की चटनी भी मैं पीस कर गई थी, तो फटाफट से चीले में सेक दूंगी। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, और इस टाइम भूख भी बहुत तेज़ लग रही होती है तो बहुत जल्दी होती है मुझे। इस टाइम बना के गई थी, उसमें हमें नमक मिर्च हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। फिर हमें इसका चीला बना लेना कुछ इस तरह से, मीडियम फ्लेम रखनी है। देखिए बन गया हमारा चीला फ्रेंड्स। आज के ब्रेकफास्ट में मेरे एक चीला, देखिए मैंने कितना पतला सेका ये, और 1 कप चाय लिए मैंने साथ में। साथ में मैंने लिए ग्रीन चटनी जो मैं सुबह ही पीस कर गई थी, लहसुन की चटनी है, बहुत टेस्टी लगती है ये। फ्रूट्स टाइम, फ्रूट्स में मैं लेके आई 2-3 पीसेस पाइनएप्पल के और आधा एप्पल है। पाइनएप्पल बहुत अच्छा फैट कटर होता है, यदि अपना फैट कम करना चाहते हैं तो हमें डेली पाइनएप्पल खाना चाहिए। पाइनएप्पल के लिए ऐसा बोला जाता है हम पाइनएप्पल को खाते हैं, पाइनएप्पल हमें खाता है। चलिए मैं पहले फ्रूट्स ख़त्म कर लेती हूँ। मैं अपने लंच में मैं ले रही हूँ दाल चावल खीरा और 1 कटोरी दही। फ्रेंड्स सुबह ये मूंग की दाल मैंने जो पीसी थी इसका बैटर थोड़ा सा बच गया है, तो मैं इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स मिला रही हूँ। 1 शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, अगर मेरे पास गाजर नहीं थी गाजर भी डाल सकते थे, जो भी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं। तो मैंने सारी सब्जियों को इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। फिर मैंने 2 चम्मच सूजी डाली है इसमें, साथ ही मैं डाल रही हूँ खाने का सोडा 1 चुटकी। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डाल, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है चम्मच से। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं अपने के स्टैंड में आता था, चम्मच ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता ये। और हल्का हल्का सा सरसों का तेल लगाया मैंने उससे पहले, अपने के स्टैंड में हमें इसे डाल देना है और मीडियम सिंपल हमें इसे पकाना है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद हमें इसे पलट देना है, दोनों तरफ से सेक लेना है। देखिए फ्रेंड्स मेरे बन गए अप्पे और मैंने साथ में लिए ग्रीन चटनी। हाई प्रोटीन रेसिपी है और ये मूंग की दाल से बनी, 2-3 चम्मच मूंग की दाल लगी होगी, ऑयल तो बहुत ही कम लगा है। जितनी वेजिटेबल ऐड्स कर सकते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हेल्दी भी है और आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगी और टेस्टी भी है। सच में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी बहुत है। फ्रेंड्स मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है, और यदि आप मेरी वीडियो देखकर डिनर की रेसिपी ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, जिससे क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है इस तरह की वीडियो बनाने का। फ्रेंड्स अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा हेल्दी रखना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखेंगे और एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो अपना वेट, हमारा वेट अपने आप ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ कल आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।